तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स के दो सबसे प्रीशियस जेम्स के बारे में, गोजो और सुकुना की। अगर इन दोनों में बैटल होती है तो कौन जीतेगा? काफी जटिल सवाल है ना, तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। अब काफी जद्दोजहद करने के बाद मैंने कुछ ऐसे फैक्ट्स निकाले हैं जो इस बैटल की प्रेडिक्शन के लिए हमारा साथ देंगे और मदद करेंगे कि कौन जीतेगा अगर इन दोनों में बैटल होती है, और शायद इस लड़ाई को वो बंदा ना जीते जो आप सोच रहे हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप आते में ही देखना छोड़ देंगे तो आपको लग सकता है कि यह बंदा क्या बकवास कर रहा है। तो अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि यह कहानी किस मोड़ पे है। तो स्वागत है आपका एनिमे अल्फा में, जहां हम बात करेंगे गोजो वर्सेस सुकुना की। तो शुरू करते हैं उनके पावर्स को समझने से। सबसे पहले सतारो गोजो की बात करते हैं। गोजो मॉडर्न जुजुत्सु यूनिवर्स का सबसे पावरफुल सॉर्सर है, और जब गोजो का जन्म हुआ था तब यूनिवर्स में कल स्पिरिट्स और सॉर्सर्स के बीच का बैलेंस थोड़ा ऑफ हो गया था। अब कहा ऐसा जाता है कि कल स्पिरिट्स और जो सॉर्सर्स होते हैं ना, जुजुत्सु सॉर्सर्स, उनके बीच में एक बैलेंस होता है, लेकिन गोजो के आने से यह बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ गया था। और यह जो उनके बीच के बैटल का बैलेंस था ना, गोजो ने उसको बिल्कुल ही बिगाड़ दिया था। और तब से कर्स स्पिरिट्स थोड़ा डर के रहते थे, क्योंकि सॉर्सर थोड़े ज्यादा पावरफुल हो गए थे। और आगे अगर गोजो की पावर्स की बात करें तो गोजो के पास सिक्स आइस टेक्निक है जो उसे विरासत में मिली है। साथ ही साथ उसके पास लिमिटलेस टेक्निक है, जह सिर्फ 100 साल में, जा कहें कुछ लोगों के हिसाब से 400 साल में पॉसिबल होता है, जब एक सॉर्सरर दोनों टेक्निक सिक्स आइस और लिमिटलेस दोनों को प्रोसेस कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें क्या फर्क पड़ता है कि गोजो के पास सिक्स आइस है या लिमिटलेस है, हमें तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं सब कुछ एक एक करके बताऊंगा आज। सबसे पहले लिमिटलेस एक ऐसी टेक्निक है जिससे सराउंडिंग एटॉमिक लेवल को मैनिपुलेट किया जा सकता है, जिसको हम इन्फिनिटी टेक्निक कहते हैं। इन्फिनिटी के साथ गोजो अपने आसपास एक डिस्टेंस या बैरियर बना सकता है जिससे उसका कोई ओपोनेंट उसको टच भी नहीं कर सकता। तो फिर गोजो को कैसे हर्ट किया जा सकता है? लगभग इम्पॉसिबल है ना यार। अब इन्फिनिटी को और भी पावरफुल बनाता है गोजो का सिक्स आइस टेक्निक। इससे वो कर्स्ड एनर्जी को फील कर सकता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि कर्स्ड एनर्जी के सीक्रेट अटैक से गोजो को मारा जा सकता है, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो इससे सिक्स आइस से फील कर लेगा कि उस पे कोई अटैक हो रहा है, और इन्फिनिटी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। इन दोनों पावर्स को सुनने के बाद तो ऐसा ही लगता है कि गोजो कितना ओपी है, लेकिन रुकिए, यह तो बस शुरुआत है। गोजो के पास लैप्स ब्लू टेक्निक है जिससे वो अपने कर्स एनर्जी को यूज करके एक ब्लैक होल क्रिएट कर सकता है। इस ब्लैक होल में इंसान या ऑब्जेक्ट को खींच लिया जा सकता है, और उनका क्या होगा वहां पे सोच सकते हो आप यार। ब्लैक होल के अंदर उनकी स्किन उड़ जाएगी। फिर आती है रिवर्सल रेड, जो ब्लू का बिल्कुल उल्टा है। यह रिपेल करता है, अंदर नहीं खींचता। क्या बोल रहा हूं मैं, सॉरी यार, अंदर नहीं खींचता बल्कि बाहर फेंकता है। यह रिपेलिंग काफी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, और क्योंकि गोजो ओपी है तो ब्लू और रेड दोनों को कंबाइन करके वो यूज कर सकता है। हाँ, इस अटैक को हम होलो पर्पल कहते हैं, और इस अटैक की मदद से गोजो सबसे बड़े सॉर्सरर या स्पिरिट को एक ही हिट में फिनिश कर सकता है। इन सब के अलावा कुछ और स्ट्रॉन्ग पावर्स भी हैं। ब्लैक फ्लैश रिवर्स कर्स टेक्निक, जिससे वो अपने लिम्ब्स को रीजनरेट कर सकता है। और फिर गोजो के पास कुछ छोटे मोटे पावर्स तो हैं ही। अब क्योंकि ये एनिमे की दुनिया है तो कैरेक्टर्स के पास स्ट्रेंथ, रिफ्लेक्सेस, स्पीड, कॉम्बैट एबिलिटीज, यह सब कुछ तो होता ही है। तो यह सब ध्यान में रख लेना, यह सबके पास ही होगा। लेकिन गोजो के पास एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पावर है जो नहीं है, और वो है एनिमे अल्फा चैनल को सब्सक्राइब करने की पावर। लेकिन आपके पास वो पावर है? हाँ भाई, आपके पास वो है, तो ट्राई करो यार, आप कर सकते हो। आप बिल्कुल फ्री में वीक में एनिमे एनालिसिस, एनिमे अपडेट्स देख सकते हो इस चैनल पे। तो सब्सक्राइब कर दो। पर लेकिन मुझे पता है
कोई करता ही नहीं, तो कर देना यार प्लीज। अब हम आते हैं सुकना पे। सुकना जो कि किंग ऑफ कर्सेस कहा जाता है, इसका मतलब है कि यह सबसे पावरफुल कर्स स्पिरिट है। अभी तक जो हमने जुजुत्सु काइसन में देखा है वो सुकना का 10% अपनी पावर का यूज है। 100% पावर का यूज अगर वो करेगा तो आप सोच सकते हो कि यह बंदा क्या कर सकता है। सुकना के पास मैलेवोलेंट श्राइन नाम से टेक्निक है जिससे सुकना के आसपास की चीजें डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। इसके अलावा सुकना के पास कुछ ऐसी एबिलिटीज हैं जिन्हें हमने अभी तक सही से समझा ही नहीं है, लेकिन यह पक्का है कि यह एबिलिटीज काफी स्ट्रॉन्ग हैं। सुकना के पास एबिलिटी है जो उसे अलाउ करती है कि वो अपने ओपोनेंट की सोल को डायरेक्टली अटैक कर सकता है, जिसको हम कर्स्ड एनर्जी मैनिपुलेशन कहते हैं। इसे सुकना अपने ओपोनेंट के अंदर से ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब बात करते हैं कि अगर इन दोनों में बैटल होती है तो कौन जीतेगा। देखिए मेरा ओपिनियन जहां पे है, अगर हम देखें कि सुकना अपनी पूरी पावर यूज कर रहा है और दूसरी तरफ गोजो अपनी पूरी पावर यूज कर रहा है, तो लगता तो यही है कि इस लड़ाई में गोजो जीत जाएगा, क्योंकि गोजो के पास 6 साइज है, लिमिटलेस है, यह किसी भी तरह के अटैक को रोक सकता है। लेकिन अगर सुकना अपनी मैलेवोलेंट श्राइन का यूज करता है तो क्या होगा। मैलेवोलेंट श्राइन एक डोमेन एक्सपेंशन है। अब एक डोमेन एक्सपेंशन को अगर एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सर भी यूज करता है ना, तब भी वो एक बार यूज करके पूरी एनर्जी डीरेल हो जाएगी उसकी और वो फिर दोबारा से यूज नहीं कर सकता। इसमें सॉर्सरर स्पेस एक ऐसी स्पेस बनाते हैं अपने और अपने ओपोनेंट के अराउंड जिसमें वो दूसरे सॉर्सरर को कैद कर लेते हैं, और इस डोमेन एक्सपेंशन के होल्डर के अटैक करने का, हिट होने का, मतलब एक तरह से हिट होने की पॉसिबिलिटी 100% हो जाती है। और अगर सुकना गोजो को इसमें ट्रैप कर लेता है तो गाली मत देना यार, लेकिन गोजो स्टैंड नो चांस, सुकना जीत जाएगा। अब यह भी कह सकते हैं कि यह एक कहानी है, रियलिटी में क्या होता है वो तो एनिमे क्रिएटर्स ही जानते हैं, मैं बस आपको अपना एनालिसिस दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि सुकना जीतेगा तो कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर कर देना यार, और अगर कोचो तो आप मुझे सुना सकते हो, लेकिन इतना जरूर बताना चाहूंगा कि गोजो इज वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स अक्रॉस ऑल एनिमेस। तो यह था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके आपको इतना जरूर कहूंगा कि हम वीक में कुछ अच्छे एनिमे वीडियोस तो डालते ही हैं, तो आप देख सकते हैं। धन्यवाद, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और हैप्पी एनिमे वॉचिंग।